हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बिहार बोर्ड परीक्षा 2022। जो भी स्टूडेंट फिलहाल में 11th में एडमिशन करवाए हो या एडमिशन जारी है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस बार एक वर्ष पहले स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोगों को घर बैठे किस प्रकार अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करना है, इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साइंस लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर साइंस नहीं बल्कि आर्ट, कॉमर्स और साइंस तीनों के लिए इस वीडियो में बताऊंगा कि फॉर्म फिलअप किस प्रकार किया जाता है, या आप लोगों को ये भी बताऊंगा किस प्रकार आप लोगों को फॉर्म भी डाउनलोड किया जाता है। तो चलिए अब बिना देरी किए वीडियो शुरू करता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर सबसे पहली बार आए हो, तो न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से पल पल का अपडेट इस चैनल पर आता रहता है। तो सिंपली अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउजर, गूगल क्रोम चाहे जो, ओपन कर लेना और सिंपली आप लोगों को क्या करना है, सर्च बॉक्स में जाकर सर्च करना है, जैसे कि आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ लाइव प्रूफ। जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं मैंने सर्च बॉक्स में आ चुका है, और सिंपली आप लोगों को क्या करना है, सर्च करने लेना है क्या बिहार सेकेंडरी लिख देना है। यहां पर देख सकते हैं मैं यहां ने बिहार लिख देता हूं, उसके बाद सेकेंडरी लिखता है, ये लिख देना है और सिंपली आप लोगों को सर्च कर लेना है। अगर ये भी सर्च करने में दिक्कत होता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा उसका, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, आसानी से फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग को मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पहले एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद कुछ प्रकार का कोई करिए, कि बहुत स्टूडेंट डायरेक्ट फॉर्म डाउनलोड करने लगता है, लिंक बता देते हैं और डाउनलोड करके वो फॉर्म फिलअप गलती कर जाते हैं, जिसको बहुत पछताना पड़ता है और सुधार भी नहीं होता है। इसीलिए ये सुधार नहीं होगा, इसीलिए आप लोग पहले इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, उसके बाद अगर कोई प्रकार का दिक्कत होता है तो आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिए। चलिए सिंपली आप लोग को ये सर्च कर लेना है, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा, डायरेक्ट फॉर्म डाउनलोड करने का भी लिंक मिलेगा, तो आप दोनों चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये सर्च ले रहा है, सर्च करने के बाद कुछ आप लोगों को इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे गया होगा मोबाइल पर, और सिंपली आप लोग को सिर्फ नीचे चले जाना है स्क्रॉल डाउन करके, और सिंपली आप लोगों को यहां पर एक ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को दिखाई दिया होगा। यहां पर देख सकते हैं बिहार सेकेंडरी यहां पर लिखा हुआ है .bihar.boardonline.com। इस पर सिंपली आप लोगों को सिंपली क्या कर देना है, इस वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप लोग को मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्लिक कर चुका हूँ। क्लिक करते ही कुछ आप लोगों के इस प्रकार इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप, मैं पहले बताऊंगा किस प्रकार फॉर्म डाउनलोड किया जाता है, उसके बाद फॉर्म फिलअप करके भी दिखाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो में पहली बार आए हो तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि पल पल का अपडेट आप लोगों को मैं हमेशा बताता रहता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, अगर नहीं होता सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार के इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, और सिंपली आप लोगों को किस प्रकार फॉर्म पहले डाउनलोड करना है, सिंपली आप लोगों को ये ऑप्शन दिखाई दिया होगा यहाँ पर, क्लिक हियर डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2020 बैच। जो भी स्टूडेंट 2020 में 11th में एडमिशन करवाए हो और 2022 में वो परीक्षा देना चाहता है 12th के, उसके लिए है। और जो भी स्टूडेंट 9th में एडमिशन कराए हो 2020 में और 2022 में जो 10th का एग्ज़ाम देगा, उसका लिए भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ किस प्रकार फॉर्म फिलअप करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपने मोबाइल से। वो भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट वो वीडियो देखकर अगर आपके परिवार में कोई तो फॉर्म फिलअप करवा लीजिए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिंपली आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ आप लोगों को इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आने के बाद आप लोगों को देख लीजिए, यहाँ पर कुछ ऑप्शन इस प्रकार का आ जाएगा। आने के बाद आप लोग को सिंपली नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दिया होगा, देख लीजिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ये लिस्ट आपको दिखाई दिया होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग आर्ट का ये फॉर्म हुआ, उसके बाद साइंस का, ये सभी सब्जेक्ट का सभी सामने दिया हुआ है। आप लोग अगर जिसका जो सब्जेक्ट है, सिंपली आप लोग को ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड पर क्लिक करके। जैसे कि मैं इस वीडियो में पहले आर्ट का बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा साइंस का होगा, कॉमर्स का होगा, ये वीडियो और मैं बनाऊँगा। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा भी डिफरेंट है, तो आप लोग अगर एक वीडियो देख लेते हो कोई एक वीडियो, तो आप लोग को तीनों फॉर्म हो जाएगा फिलअप करना। तो चलिए सिंपली सबसे पहले इस पर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, क्लिक करके डाउनलोड पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, और सिंपली ये फॉर्म जो है अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मेरा फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फॉर्म फिलअप जो है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आसानी से ये जो डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पर देख लीजिए फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, और सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ आप लोगों के इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये फॉर्म डाउनलोड होकर तैयार है, और किस प्रकार आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले आप लोग को अपने कंप्यूटर के दुकान में चले जाना है, एक फ़ोटो बना लेना है, इस साइज में रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, कलर फोटो, और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार आप फॉर्म फिलअप करना है वो बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, यहाँ पर देख सकते हैं इंटरमीडिएट
एनुअल एग्जामिनेशन 2022 फैकल्टी आर्ट के लिए है, तो मैं आर्ट का बताने जा रहा हूँ अभी फिलहाल, उसके बाद साइंस भी बताऊँगा, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर एक फ़ोटो लगाना है सिंपली, यहाँ पर नीचे में सिग्नेचर कर देना है स्टूडेंट का, हिंदी इंग्लिश चाहे जो भी हो, लेकिन सजेशन दूंगा इंग्लिश बेस्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अब बताने जा रहा हूँ, कैटेगरी में सिंपली आप लोग को रेगुलर सेट करना है, जो बिहार बोर्ड से 10th पास करके आए वो रेगुलर सेट करना है, अगर कोई दूसरा बोर्ड से है तो प्राइवेट कर देना है सिंपली इसमें। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, दो में कॉलेज कोड मांग रहा है, अगर कॉलेज का कोड हो, जिस स्कूल में कॉलेज में आप एडमिशन करवाए उस स्कूल का कोड होता है, वो कोड फिलअप कर देना है, आप लोग को स्कूल में जाकर पूछ लेना है। यहाँ पर देख लीजिए, 3 नंबर में कॉलेज नेम पूछ रहा है, कॉलेज का नाम इसमें फिलअप करना है, जैसे किसी का कॉलेज का नाम CMB कॉलेज तो CMB लिखना है। उसके बाद कॉलेज लिखने से पहले एक ब्लैंक छोड़ देना है, सिर्फ कैपिटल में लिखना है, इस प्रकार लिखना है। अगर किसी का कॉलेज का नाम बड़ा है तो आप लोग शॉर्ट में लिख देना है। ये लिखने के बाद आप लोगों को मैं स्टूडेंट का नाम यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे किसी का नाम है मोहन कुमार, तो मोहन लिखने के बाद आप लोग को कुमार देने से पहले एक ब्लैंक छोड़ना है, और यादव लिखने से पहले भी एक ब्लैंक बीच में छोड़ देना है, और सिर्फ कैपिटल लेटर में सभी नाम लिखना है इंग्लिश में। मैं आप लोगों को बता चुका है किस प्रकार नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी में उसे स्टूडेंट का नाम लिखना है, उसके बाद मदर का नाम इसी प्रकार इंग्लिश में हिंदी में, फादर जी का नाम हिंदी इंग्लिश इसी प्रकार लिखना है, जिस प्रकार अपना नाम लिखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखना है, लेकिन कैपिटल लेटर में उसी प्रकार लिखना है। यहाँ पर 8 नंबर में आप लोग देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डेट ऑफ बर्थ में आप लोग को जो 10th में मार्कशीट पर होगा वही डेट ऑफ बर्थ इसमें भी फिल करना है। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें डेट लिखना है, उसके बाद यहाँ महीना इसमें, उसके बाद साल लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 9 नंबर में पूछ रहा है मैट्रिक पासिंग ईयर बोर्ड, आप किस बोर्ड से मैट्रिक पास किया, अगर बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड, अगर CBSE हो तो CBSE इसमें लिख देना है, बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड पटना अगर बिहार बोर्ड वाला है, CBSE बोर्ड है तो CBSE सेलेक्ट करना है, सिंपली लिख देना है कैपिटल लेटर में इंग्लिश में। यहाँ पर देख सकते हैं 10 नंबर में आप लोग का पूछ रहा है मैट्रिक का आप रोल कोड इसमें दीजिए, जिस स्कूल से आप मैट्रिक पास किए उसका रोल कोड होगा, आप लोग को मार्कशीट पर या आपको एडमिट कार्ड पर लिखा होगा वो लिख देना है, 9th का मार्कशीट पर यहाँ पर रोल नंबर 10th का स्लिप देना है। उसके बाद कितना ईस्वी में पास किया वो भी लिख देना है, अगर 2020 तो 20, नहीं तो 19 भी फिलअप कर सकते हैं जो 2019 में पास करे हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 12 में जेंडर पूछ रहा है, अगर लड़का है तो मेल करना, लड़की है तो फीमेल कर देना, सिंपली टिक कर देना है एक में। यहाँ पर 13 नंबर में देख लिए, कास्ट कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर अपना सेलेक्ट करना है ध्यानपूर्वक, जो आपका 10th के पंजीयन में होगा या 9th के पंजीयन में, तो आप उसी प्रकार सेलेक्ट करना है, अगर जनरल है तो जनरल, EBC है तो EBC, SC है तो ST, इसी प्रकार अपना सेलेक्ट करना, कोई एक में टिक कर लेना जो जिस कैटेगरी से, यहाँ पर ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करना है, यहाँ पर स्टूडेंट गलत कर जाते हैं जिसका बहुत गलती भुगतना पड़ता है। उसके बाद 14 नंबर में डिफरेंशियल एबल को पूछ रहे हैं कि आप विकलांग हैं तो यस करना, अगर नहीं है तो नो करना, अगर विकलांग हैं तो आप कितना परसेंट विकलांग है वो भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, 30% 40% जितना विकलांग है वो भी लिखना पड़ेगा 14 नंबर के यहाँ पर, अगर नहीं है तो सिंपली नो करके आप आगे चल जाना है, कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। 15 नंबर में आप नेशनलिटी पूछ रहे हैं कि आप इंडियन हैं या किसी दूसरे कंट्री से, उम्मीद है इंडियन होंगे तो इंडियन सिंपली सेलेक्ट करना, अगर दूसरे कंट्री से कोई आया है तो आप लोग अदर लिख देना है कौन कंट्री से आया हुआ। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 16 में पूछ रहा है रिलीजन, आपका धर्म क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो अपना चूज कर लेना, अगर अदर हैं तो सिंपली अदर इसमें चूज करना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 18 नंबर में पूछ रहा है सिंपली, सबसे पहले 17 नंबर पर यहाँ पर स्टूडेंट कन्फ्यूज करता है, ये ध्यानपूर्वक है, यहाँ पर एरिया पूछ रहा है रूरल है या अर्बल, रूरल अर्बल क्या होता है, रूलर वो हुआ जो ग्रामीण से रहता है, जो गांव से रहता है उसको रूलर सेट करना है, जो शहर से है स्टूडेंट वो अरबल सेट करना है, जैसे कि आप लोग को मैं बता दिया हूँ रूलर ग्रामीण और अरबल शहर का सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए मोबाइल नंबर चूज करना है सिंपली, आप लोगों को मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसमें मोबाइल नंबर स्टूडेंट का दे देना है या गार्जियन का मोबाइल नंबर दे सकते, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है ईमेल आईडी लिखना है, इसमें शॉर्टकट ईमेल आईडी आप लोग को अपने मोबाइल से बना लेना है, अगर आप लोगों को मोबाइल नंबर आईडी नहीं बनाया जाता है, ईमेल आईडी नहीं बनाना आता है तो आप लोगों को मैं एक वीडियो ला रहा हूँ, उस वीडियो में बताऊँ किस प्रकार आपने मोबाइल से एक छोटा सा ईमेल आईडी बना सकते हो, आप लोगों को 2 मिनट लगेगा, कोई चार्ज नहीं उसका कटता है अकाउंट से, सिंपली आप फ्री में भी बनवा सकते हैं, आप लोग को रुपया देने की ज़रूरत नहीं कंप्यूटर दुकान पर जाकर ईमेल आईडी बनाने के लिए, आसानी से अपने खुद से बना सकते हो और सीख भी सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 20 नंबर में आधार नंबर स्टूडेंट का, सिंपली आधार नंबर इसमें फिल करना है 16 अंक का जो होता है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस लिखना है, अपना पता किस प्रकार लिखते हैं, विलेज पोस्ट पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट कितना लिखना है, एक ब्लैंक छोड़कर विलेज लिखने के बाद माइनस चिन्ह देना, उसके बाद गाँव का नाम लिखना है, और पोस्ट लिखने से पहले एक ब्लैंक छोड़ देना है, इस प्रकार लिखना है आप लोग को, डिस्ट्रिक्ट बिहार भी लिखना है। उसके बाद यहाँ पर अपना एरिया का पिन कोड इसमें लिखना है, पिन कोड। उसके बाद 22 नंबर में यहाँ पर देख लीजिए मैरिड,
यहाँ पर आपका शादी हुआ है कि नहीं, 22 नंबर में पूछ रहा है। अगर शादी हुआ है तो यस कर देना, अगर नहीं हुआ है तो नो करना सिंपली। इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का 23 नंबर में पूछ रहा है अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट नंबर अपने बैंक का दे देना। ये देने से ये फायदा होगा कि आपका अकाउंट नंबर में अगर कोई भी रुपया आता है गवर्नमेंट की ओर से आता है, आपका डायरेक्ट अकाउंट में रुपया भेज दिया जाएगा, आप लोगों से पासबुक नहीं मांगा जाएगा। देने से ये फायदा होता है, आप लोग को देना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर 24 नंबर में ब्रांच, किस ब्रांच में आपका अकाउंट नंबर वो लिखना पड़ेगा 24 नंबर में से नाम। उसके बाद उस बैंक का आईएफएससी कोड आप लोगों को सिंपली पासबुक पर ये सभी चीज़ मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 26 नंबर में पूछा जा रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट है, मार्क का स्टूडेंट का 2 निशानी चाहिए शरीर का, या कहीं शरीर में कटा खुटा या तिल का निशान है वो इसमें फिल करना है। जैसे किसी के मुंह पे एक तिलवा का निशान है तो ये कट मोल मार्क ऑन द फेस लिख देना है, ये मोल मार्क ऑन द फेस, ये मुंह में तिलवा है, या कटा है हाथ में तो हैंड लिख देना है, इसी प्रकार लिखना है अपना। यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अगर 2 निशानी पूछ रहा है एक भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर 27 में पूछ रहा है मीडियम। अब 2022 में अगर आप लोगों का 12th का फाइनल एग्जाम होगा तो हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में, तो सिंपली अपना चूज कर लेना है, जो इंग्लिश है तो इंग्लिश, नहीं तो हिंदी भी चूज कर सकते हैं। 28 नंबर में यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट की अब बारी आता है, यहाँ पर स्टूडेंट कन्फ्यूज करते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखिए बारी बारी से। यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करने में बहुत स्टूडेंट गलत कर जाता है कि किस प्रकार सब्जेक्ट चूज किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट डिटेल में आप लोग को कंपलसरी सब्जेक्ट टोटल 200 मार्क, यानी ये ग्रुप और ये दोनों ग्रुप मिलाकर आप लोग को 200 मार्क को चूज करना है, यानी 2 सब्जेक्ट चूज करना है, 100 मार्क इससे 100 मार्क इससे। तो किस प्रकार चूज करना है आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। सेलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट, यानी एक इसमें से एक सब्जेक्ट चूज करना है तो इसमें से सिंपली आप लोग को एक सब्जेक्ट, जैसे कि कोई स्टूडेंट चाहता है कि 11th 8th में हम इंग्लिश रखे एक सकते, तो सिंपली आप लोग को इसमें क्लिक कर देना है। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि इंग्लिश हम रखवे नहीं करें तो आप लोग को सिंपली हिंदी टिक कर लेना है, इसमें भी हिंदी टिक कर लेना है। हिंदी नहीं, आप लोग दूसरा भी मैथिली भी रखते हैं, अगर इंग्लिश नहीं चाहते हो तो हिंदी इसमें मैं सजेशन दूंगा, और मैथिली वाला मैथिली कर लीजिए जो मिथिलांचल से है। अगर वो दूसरा चाहते हैं भोजपुरी तो भोजपुरी भी, मराठी, पारसी, जो संस्कृत, सभी सब्जेक्ट है, आप कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। अगर इंग्लिश दोनों चाहते तो इंग्लिश भी रखते तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें दोनों में एक एक चूज करने के बाद यहाँ पर कम इफेक्टिव सब्जेक्ट आप लोग को इसमें से 300 का चूज करना है, जैसे कि 200 ये हो गया, 300-500 मार्क आप लोगों को हो जाएगा। तो सिंपली आप लोग जो मेन आप लोगों का सब्जेक्ट होगा वो 3 चूज करना है, जैसे कि कोई साइकोलॉजी रखा, आर्ट और कोई सोशल साइंस, ये तीनों रख लेना है अगर रखना चाहते हो। अपने सजेशन के अनुसार आप लोग को तो खुद मालूम होगा कि कौन कौन सब्जेक्ट रखना है, वो चूज अपना फिल कर लेना है। 3 सब्जेक्ट इसमें से 2 ऊपर में हो गया था, 5 सब्जेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर देख लीजिए, नीचे आने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट भी कन्फ्यूज करते हैं, यहाँ एडिशन सब्जेक्ट ग्रुप 100 मार्क, इसमें से आप लोग को 100 मार्क को चूज करना, अगर चूज करना चाहते हो तो ठीक है, अगर नहीं तो छोड़ भी सकते। लेकिन ये चूज करने से ये फायदा होता है कि कंपलसरी सब्जेक्ट, जैसे कि आप लोग को ये बता चुका हूँ 3 सब्जेक्ट, अगर तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, अगर फेल होने के बाद अगर आप लोग इसमें पास है 12th में तो आप लोग को सिंपली पास करा दिया जाएगा। अगर इसमें पास हैं तो आप लोग को ये मार्क जोड़ कर उसमें पास करा दिया जाएगा, और वो तो अच्छा होगा ना, अगर पास हो जाते हैं तो ये अच्छा होगा। तो आप लोग को मैं सजेशन दूंगा कि एक सब्जेक्ट कोई जो आसान हो, आपको लगे कि आसान है, ये मैथिली, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, जो है अपना एडवांस मैथमेटिक्स है वो भी चूज कर सकते हैं, सिंपली सेलेक्ट कर लेना। सिंपली यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर गार्जियन का सिग्नेचर लगेगा, अगर जिसका गार्जियन का सिग्नेचर नहीं होता है पेरेंट्स माता पिता में, तो अपना फिंगर दिलवा देना है अपने गार्जियन का। यहाँ पर सिंपली आप लोगों को अगर गार्जियन में अगर कोई भाई है तो भाई से भी यहाँ पर गार्जियन के रूप में करवा सकते हो, ये दिक्कत नहीं कि सिर्फ माता पिता करेगा, पेरेंट यहाँ पर देख लीजिए, पेरेंट मिस माता पिता, गार्जियन मिस आपका कोई भी गार्जियन घर का है तो करवा सकते हो, अगर माता पिता नहीं तो दूसरे से भी करवा सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए, स्टूडेंट का सिग्नेचर सिंपली इंग्लिश हिंदी में यहाँ पर करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी स्टूडेंट सिग्नेचर हिंदी, यहाँ पर सिंपली स्टूडेंट का सिग्नेचर इंग्लिश में करवा लेना है, अपने स्टूडेंट को खुद करना है, क्योंकि यही एडमिट कार्ड पर आप लोगों को बन कराएगा, इसीलिए एक साल पहले कि कोई गलती नहीं करे स्टूडेंट, इसलिए इतना दिन पहले इस बार फॉर्म फिलअप करवा रहा है। यहाँ पर सिंपली आप लोगों को प्रिंसिपल का सर का सिग्नेचर मोहर करवा लेना, और सिंपली अपने प्रिंसिपल सर के पास ये फॉर्म जमा कर देना है। सिंपली आप लोग को यहाँ पर भी सिग्नेचर इंग्लिश में करना पड़ेगा एक फ़ोटो लगाकर, और सिंपली आप लोगों को अपने कॉलेज में जाकर जमा कर देना है। तो सिंपली आप लोग को मैं बता चुका है किस प्रकार ये फॉर्म डाउनलोड किया जाता है, किस प्रकार फॉर्म फिलअप किया जाता है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप लोग इस कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और हमें बता सकते हैं कि ये डाउट है, तो आप लोग को मैं सोल्यूशन करने का तुरंत सॉल्व करूँगा, आप लोग को किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरे सब्जेक्ट हैं तो आप लोग हमारे वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कीजिए, अगर आप लोगों से ईमेल आईडी नहीं बनाया जाता है तो मैं ईमेल आईडी भी बता दूंगा किस प्रकार आप लोग को बनाया जाता है एक मिनट के अंदर। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।